हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में आप लोग एफओआई बीकॉम सेमेस्टर 2 का इंडेक्स नंबर के कुछ आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखो एंड अच्छे से क्लियर समझ जाओ। बाकी आपको अगर एमसीक्यू चाहिए तो मैंने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एफओआई बीकॉम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का दोनों का एमसीक्यू मिल जाएगा। ओके सो सॉल्व करते। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। सो यहाँ पे दो मेथड से हम लोग को इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पे डेटा दिया है टेबल, कमोडिटी में क्या दिया, राइस व्हीट पल्सेस एंड शुगर दिया, राइट ना, जो भी है केजी में है यूनिट इसका। एंड प्राइस इन रुपीज मीन्स 1985 में एक केजी का प्राइस कितना था एंड 1995 में कितना है, ये टेबल में दिया है, राइट ना। वैसे सेम शुगर में, शुगर का 1 kg का 1985 में 6 rupees था एंड 1995 में 13 rupees है। तो ऐसा करके टेबल हम लोग को डेटा दिया है। हम लोग को दो मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सो 1985 में जो है, अभी ये कैसे बेस ईयर हो जाएगा कि पहले का है एंड ये करंट का है, तो करंट ईयर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्राइस को 1 लेते हैं, राइट ना। एंड बेस ईयर में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहाँ पे P0 आ जाएगा, ये P1 हो जाएगा। ओके, बेस ईयर में 0 लेते हैं एंड करंट ईयर का क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अगर प्राइस रहता है तो P एंड अगर क्वांटिटी रहता है तो Q0 Q1, ऐसा करके रहता है, राइट। सो हम लोग लिख देते हैं 1985 में कितना था, जो टेबल में लिखा है वही हम लोग कॉपी करेंगे, 4386। एंड 1995 में जो प्राइस है 8.50 मीन्स 8.5 rupees। ओके, यहाँ पे 7 rupees हो गया एंड ये 30, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ये 13 rupees हो गया, राइट। अभी क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ऐड करेंगे, सो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा। सो ये जो 21 मिला है, ये क्या है, समेशन ऑफ P0 मीन्स हमने P0 को क्या किया, ऐड किया। ऐड किया मीन्स सबको प्लस किया, तो सबको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसको हम लोग समेशन बोलते हैं, राइट ना। सेम यहाँ पे P1 को भी करते हैं, तो समेशन ऑफ P1 इज इक्वल टू सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 58.50। आपके पास कैलसी रहेगा, एग्जाम में आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग को फाइंड आउट हो गया, ये तो हमने टेबल से सिर्फ क्या किया, प्लस किया, राइट। मीन्स समेशन ऑफ P0 एंड समेशन ऑफ P1 हमने फाइंड आउट किया। अभी एक और हम लोग को फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। आई क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज यहाँ पे जो मेथड है सेकंड वाला, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड जो है, यहाँ पे हम लोग को समेशन ऑफ आई चाहिए, समेशन ऑफ आई चाहिए, राइट ना। सो समेशन ऑफ आई हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स हम लोग को आई फाइंड आउट करना रहेगा। सो आई फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या दिया है, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स P1 को P0 से क्या करना है, डिवाइड करना है, मीन्स 8.5 डिवाइड बाय 4 करना है। उसके बाद क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। सेम 7 को 3 से डिवाइड करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 8.5 को आप डिवाइड करोगे 4 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। एंड सेकेंड वाला 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड वाला 30 डिवाइड बाय 8 करोगे मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ये भी 13 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स P1 डिवाइड बाय P0 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा है यहाँ पे फॉर्मूले में, आप देख सकते हो। अभी इसको डिवाइड करोगे 212.5 मिलेगा एंड सेकंड वाला कितना मिलेगा, 233.3 मिलेगा। थर्ड वाला 375.0 मीन्स नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, एंड इसका 216.6, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रहता है, अगर से 4.0 मीन्स वो 4 ही रहता है, राइट ना। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इट मीन्स ये 4 ही है। ओके, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। जैसे हमने इसको ऐड किया, सेम इसको भी सबको क्या करना है, ऐड करना है। सबको ऐड करोगे तो समिशन ऑफ आई मिल जाएगा, राइट। सबको ऐड करोगे कितना मिलेगा, 1037.4 मिलेगा। अभी हम लोग को मिल गया, अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला दिया है, फर्स्ट वाला मेथड का, एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो समेशन ऑफ P1 कितना है, 58.50 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 कितना है, 21 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100।
सो आप पहले इसको डिवाइड कर लो कैलसी से, देन मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो कितना मिल जाएगा 279.04 मिल जाएगा। ओके सेम अभी इसको भी सॉल्व करना है, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ आई। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो समेशन ऑफ आई ही मिलेगा, तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो। ओके समेशन ऑफ आई डिवाइड बाय एन, राइट। तो समेशन ऑफ आई हमने कितना फाइंड आउट किया, यहाँ पे लिखा है 1037.4 डिवाइड बाय एन, कितना है एन, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन मीन्स नंबर, हमारे पास कितने टेबल में क्या कमोडिटी में क्या दिया, 1, 2, 3, 4 दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय एन मीन्स 4 रहेगा। ओके सो इसको डिवाइड कर लो सिंपल ये, तो आंसर में 259.35। सो हमने दोनों मेथड से क्या इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया, एक का 279.04 आया, सेकेंड वन का 259.35 आया। सो हमने दोनों मेथड यूज़ कर लिया, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। एंड टेबल में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने आई फाइंड आउट किया, आई को ऐड कर लिया, एंड इसको तो ऐड करना ही था, राइट। बस इतना ही, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेस प्रेस मेथड, पाश्चे, फिशर्स, डॉर्बिश बॉले एंड मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। सो हम लोग को ये जो पाँच है, ये पाँच मेथड है, हम लोग को इससे क्या फाइंड आउट करना है, इंडेक्स नंबर। जो फॉर्मूला बनाए हैं उन्होंने अपना ही नाम दिया है, जो फिशर्स थे या पाश्चर जो थे या मार्शल एजवर्थ थे उनका ही नाम है फॉर्मूला जो हमने उन्होंने बनाया है। सो हम लोग उनका फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो डेटा में देखो टेबल में क्या दिया, कमोडिटी में यहाँ पे ए बी सी डी करके दिया, देखिए नंबर चेंजेस रहेगा, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट मीन्स आपको फॉर्मूला एंड क्या करना है, मेथड ये याद रखना है, दो चीज़ फॉर्मूला एंड मेथड, बाकी नंबर तो चेंज रहता है, राइट ना। हम लोग अगर मैं यहाँ पे इसमें ही देख लो, अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता तो आपको ऐड करने आना ही चाहिए, राइट ना। तो ये नंबर चेंज कर दिया मीन्स आपको मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट करना आपको आना चाहिए। ओके सो यहाँ पे देखिए बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है, प्राइस क्वांटिटी, तो बेस ईयर का हम लोग को पता है जीरो लेते हैं, तो प्राइस जो एंड क्वांटिटी जो बेस ईयर में है वो क्या रहेगा, पी जीरो एंड क्यू जीरो रहेगा, राइट। एंड करंट ईयर हम लोग वन लेते हैं तो प्राइस एंड क्वांटिटी में उसका पी वन एंड क्यू वन रहेगा, राइट। सो मैंने उसका टेबल यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, राइट। सो ये दोनों जो है ये बेस ईयर का है, तो बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी है, ये दोनों जो है वो करंट ईयर का है, प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। तो बेस ईयर में हम लोग जीरो लेते हैं, पी जीरो क्यू जीरो, एंड करंट ईयर में प्राइस एंड क्वांटिटी क्या लेंगे, पी वन क्यू वन, तो आपको ये आना चाहिए, राइट। सो मैंने टेबल ये प्रॉपर अच्छे से लाइन नहीं खींचा, बट आपको समझाने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास अभी स्केल नहीं अवेलेबल है इसलिए। सो जो डेटा दिया है क्वेश्चन में उसको लिख देते हैं। सो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, पी जीरो कितना दिया है, 4, 3, 2, 5 दिया है, एंड इसमें 10, 8, 8, 4 हमने ये लिख दिया, एंड करंट ईयर का हम लोग लिख देते डेटा 5, 6, 3, 8, एंड क्वांटिटी कितना दिया है, 12, 10, 9 एंड 5, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पी जीरो क्यू जीरो, तो पी जीरो क्यू जीरो मीन्स पी जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू जीरो, यही करना, मीन्स पी जीरो और उन क्यू जीरो का जो नंबर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, मीन्स ये पी जीरो का है ये क्यू जीरो का है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40, 3 × 8 = 24, राइट, 2 × 8 = 16, 5 × 4 = 20, राइट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम लोग को पी वन क्यू वन, जैसे पी जीरो क्यू जीरो फाइंड आउट किया, पी वन क्यू वन फाइंड आउट कर लो। सो पी वन क्यू वन मीन्स पी वन यहाँ पे, क्यू वन यहाँ पे, राइट ना, तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 12 कितना होता है, 60 होता है, अगेन 60 आएगा क्योंकि 6 × 10 = 60 होता है, 3 × 9 करेंगे तो 27 होगा, 8 × 5 करेंगे तो 40 होगा, राइट। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। आप भी देखिए, पी वन क्यू जीरो एंड पी जीरो
Q1 हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो P1 किधर है, यहाँ पे है, एंड Q0 कहाँ पे है, यहाँ पे। मींस इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 10 × 5 50, 8 × 6 48, 8 × 3 24, 4 × 8 32 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद P0 Q1 को फाइंड आउट करना है। P0 यहाँ पे है, Q1 यहाँ पे, मींस इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ ध्यान से देखिए। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 × 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 48। 3 × 10 30। आपको तो सिंपल टेबल है, आपको 20 तक तो आपको टेबल आता ही है, राइट। सो 2 × 9 करेंगे तो 18 होगा, एंड 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, राइट। अभी सेम हम लोग जैसे वहाँ पे ऐड किए थे, सभी हम लोग इसको ऐड करेंगे। जो भी हमने चार ही कॉलम फाइंड, ये तो डेटा दिया है, ये तो गिवन डेटा है, राइट ना। इस जो हमने चार कॉलम फाइंड आउट किया, चारों कॉलम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 100, एंड सेकेंड वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 187। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 154। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 121। सो ये मिल गया, इसको लिख देते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया, P0 Q0 100 एंड ये 187, P1 Q0 154, ये 121 जो हमने टेबल में ऐड करके निकाला वही हमने लिख दिया। अब ये बहुत ही सिंपल है, जो भी जिन्होंने निकाला फार्मूला, राइट ना। सो सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। तो लास्ट प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर, जो फर्स्ट वाला हम लोग को फाइंड आउट करना था, इस इंडेक्स नंबर। सो IL मीन्स इनका नेम, ओके, इनका फर्स्ट लेटर L, I मीन्स इंडेक्स नंबर, ओके। तो इनका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग हर जगह करते हैं, ओके। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ पुट करना है, सॉल्व करना है। P1 Q0 कहाँ पे है, यहाँ पे, कितना है, 154 है, राइट ना, 154 है। P0 Q0 कितना है, 100 है, राइट ना। सो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अभी देखिए 100 गेट कैंसिल, कितना मिला, 154 मिल गया, राइट। सेकेंड वाला क्या है, पास्टेस इंडेक्स नंबर है। सो पास्टेस इंडेक्स नंबर जो है, यहाँ पे इनका जो फर्स्ट लेटर है P, वही से यहाँ पे डिनोट किया, एंड I मीन्स इंडेक्स नंबर। सो इनका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q1 एंड समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। सो P1 Q1 हमने जो फाइंड आउट किया है, कितना फाइंड आउट किया है, 187 फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे 187 लिख देते हैं, 187 डिवाइड बाय P0 Q1 कितना फाइंड आउट किया, 121। तो यहाँ पे लिख देते हैं, 121 लिख देते हैं, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। सो अभी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, या तो इन दोनों को पहले डिवाइड कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, या तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या करो, 187 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे तो कितना होगा, 187 00 डिवाइड बाय 121। तो आपको सिर्फ इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 154.5454, ओके, ये मिल जाएगा। सो इंडेक्स नंबर कितना मिला, 154.5454। अभी थर्ड वन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर F है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एंड उसके साथ I लिख दिया, I मीन्स इंडेक्स नंबर, राइट। सो इनका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट में IL मल्टीप्लाई बाय IP, जो इन दोनों ने फाइंड आउट किया, इनका ही इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो लिख देते हैं, तो IL कितना है, 154, तो 154 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई IP कितना फाइंड आउट किया, 154.5454, राइट, ये हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। अभी क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करो एंड स्क्वायर रूट ले लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, मीन्स मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, जो मल्टीप्लाई करोगे एंड स्क्वायर रूट पे क्लिक करोगे, कैल्सियम में है ये, तो कितना मिल जाएगा, 154.27, ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं डॉर्विश बॉले इंडेक्स नंबर। तो इनका फॉर्मूला क्या है कि IL IP को ऐड करो एंड उसका हाफ कर दो। इनका क्या था, IL और IP को मल्टीप्लाई करो एंड स्क्वायर रूट ले लो। इनका क्या है, IL एंड IP को प्लस करो एंड हाफ करो। तो IL हमने जो फाइंड आउट किया, यहाँ पे लिखा है वन फाइव फोर पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर, राइट, एंड इसको हाफ कर दो। तो ऐड करके हाफ कर दो, बहुत ही सिंपल है। तो ऐड करके हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, 154.2727, राइट। अब आते हैं फिफ्थ वन, लास्ट
मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, सो एम ई इनका जो फर्स्ट लेटर है यही यूज़ किया है, आई मीन इंडेक्स नंबर, तो इनका फॉर्मूला ये है। ओके सो जो भी हमने गिवन डेटा जो चारों फाइंड आउट किए वही यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो पी वन क्यू जीरो हमने कितना फाइंड आउट किया था, 154, एंड ये कितना है 100 है राइट, प्लस ये 121 है, एंड पी वन क्यू वन कितना फाइंड आउट किए थे 187 राइट, चारों को हमने क्या किया प्लस कर दिया, ऊपर हमको नंबर याद ही है राइट। अब इसको प्लस करके मल्टीप्लाई प्लस कर लो ऊपर नीचे एंड करते हैं कितना आता है, सो 341 आएगा, एंड नीचे वाले को प्लस करोगे 221 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो राइट, 341 00 एंड 221 से डिवाइड कर दो, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 154.2986। तो हमने सबका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए जितने भी लोग थे सबका 154 154 154 154 154 154 मीन्स अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 154 156 154 एंड 155 के बीच में है, मीन्स इतना अप्रोक्सीमेट इतना ही है राइट ना। सो अगर किसी का आंसर, अगर ये पांचों मेथड में से अगर आप कोई भी नंबर कोई भी क्वेश्चन अगर अदर सॉल्व करते हो, तो सपोज सबका अगर कॉमन आया 154 एंड सपोज आईएफ का आपने या तो आईडीबी का आपने फाइंड आउट किया, सपोज इसका आ गया 227 आंसर, हाँ मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, सपोज सब चारों का आंसर आया 154 पॉइंट समथिंग ओके, लेकिन आईडीबी जो डॉर्विश बॉले का है अगर सपोज इनका आंसर आ गया 227 आप सॉल्व कर रहे हो, इनका आंसर आ गया 227, तो इट मींस आपका ये इंडेक्स नंबर रॉन्ग रहेगा। ओके कहने का मतलब ये है कि जो पांचों मेथड हमने यूज़ किया है तो पांचों मेथड अप्रोक्सीमेट आसपास ही रहेगा, मीन्स जैसे 154 है तो 154 के पहले आ सकता है या 154 आ सकता है या 154 पॉइंट समथिंग आ सकता है। ओके सो इतना ध्यान रखिए, तो आगे भी और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। सो ध्यान रखिए जो क्वेश्चन दिया है इसका सिर्फ नंबर अभी चेंज रहेगा, अगर ये पांचों मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने पूछता है तो आपको सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना है, फॉर्मूला लगाना है एंड फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर देना है, बस इतना ही करना है। तो मेन है फॉर्मूला, आपको सबका फॉर्मूला याद रखना है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ही है राइट ना, एंड कैलकुलेशन पार्ट है बस राइट। सो बस आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और दूसरा मेथड लेके आएंगे एंड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।